नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लहसुन की चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। 20 से 25 लहसुन की कलियां छील करके रख लिया है, 15 से 20 लाल मिर्ची, जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, अमचूर पाउडर। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। हमने एक चम्मच तेल ले लिया है और सरसों का तेल लिया है, और कभी भी आप चटनी बनाएं और या अचार रखें तो उसमें सरसों का तेल का ही यूज होता है। सरसों का तेल ही अच्छा रहता है इन सब के लिए, इसलिए हम सरसों का तेल का ही यूज कर रहे हैं। और गैस को ऑन कर दिए हैं तेज फ्लेम में और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो गया है, ज्यादा गर्म नहीं करना है। उसमें डाल देंगे हम जीरा और डाल देंगे लाल मिर्च और ये सबको इस तरीके से चला लेंगे। इस तरीके से भून लेंगे। ये देखिए लाल मिर्ची कैसे हमारी बिल्कुल ऊपर आ गई है, फूलने लगी है। गैस को तेज ही रखी हूँ, अभी धीरे नहीं करी हूँ। ये पक चुकी है। अब हम यहीं पे डाल देंगे अपनी लहसुन जो हमने छील करके रखा था, उसको डाल देंगे इसमें। लाल मिर्ची हमारी भून चुकी है, गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। हमने लहसुन को और लाल मिर्ची को निकाल लिया है एक प्लेट में, थोड़ी देर इसे हम ठंडा हो जाने देंगे। ये हमने मिक्सी का जार ले लिया है और यहीं पे डाल देंगे ये हम लाल मिर्ची और लहसुन। अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। अमचूर पाउडर की जगह आप इमली भी ले सकते हैं और दही भी डाल सकते हैं, लेकिन दही और अगर टमाटर डालेंगे तो उसको ज्यादा दिन तक नहीं रख पाएंगे, लेकिन अगर इमली और अमचूर से बनाएंगे तो इसे ज्यादा दिन तक रख सकते हैं। अब हम इसे पीस लेंगे। अब हम इसे खोल करके चेक करेंगे कि हमारी चटनी कितनी पीसी है। ये देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे तेल। जो हमारा तेल बचा हुआ था हम उसको पूरा इसी में डाल देंगे, पानी का यूज नहीं कर रहे हैं, ताकि हमारी चटनी ज्यादा दिन तक रहे। और इसे इस तरीके से चम्मच से चला लेंगे। अब हम इसे फिर से पीस लेंगे। हमने वही तेल डाला है जो हमने छौंका था, अलग से तेल नहीं डाला है। ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल पीस चुकी है। चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारी लहसुन की चटनी बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।